नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और मैं श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव के द्वारा संकलित एक रोचक और मनोरंजक अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको अनुभाविक शिक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षकों द्वारा विकसित एक नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है कबाड़ से शिक्षा। कबाड़ एक ऐसा शब्द है जिसको हम मानते हैं कि जो वस्तु हमारे लिए बेकार है, व्यर्थ है, उसको हम कबाड़ का नाम देते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि कबाड़ से भी छात्रों को शिक्षा दी जा सकती है? नहीं, बट हमारे शिक्षक ने सोचा कि क्यों ना वो कबाड़ ही वो शब्द है जिससे हम बच्चों को ज्यादा बेहतर चीजें सिखा सकते हैं। हमारे विद्यालय, हमारे घरों में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम व्यर्थ बोलते हैं, कबाड़ बोलते हैं कि हमारे किसी काम की नहीं है, वेस्ट है हमारे लिए ये। अब शिक्षक ने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों को कुछ कबाड़ जैसे कि खिलौने, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े आदि के बारे में उनको जानकारी दें। जानकारी देने के साथ साथ बच्चों के अंदर सीखने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी, और अगर ये कार्य शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर एक साथ करेंगे तो उनके अंदर तालमेल भी बढ़ेगा। ये गतिविधि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों कक्षाओं के लिए लाभदायक है। इस गतिविधि को क्रियान्वित करने की विधि के बारे में आपको बताता हूँ। शिक्षक छात्रों को बोलेंगे कि आप सभी लोग अपने घर से कुछ ना कुछ कबाड़, जो आपको लगे कि ये मेरे घर में ये वेस्ट है, सामान बेकार है, उसको लेकर के आए। हमको जो सामान बेकार लगता है, अगर हम उसको सोचना, खंगालना शुरू करें, उसके अंदर चीजें ढूंढना शुरू करें, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी मिल सकती हैं जो जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त हो। ऐसे ही शिक्षक ने सोचा कि हम छात्र को बोलेंगे, वो अपने घर से कुछ ना कुछ कबाड़ इकट्ठा करके लाएंगे और उसको हम विद्यालय में रखे एक स्थान पर इकट्ठा कराएंगे, चाहे किसी डब्बे के अंदर रखवा दें या कोने में रखवा दें, कहीं भी। अब एक हफ्ते के बाद हम एक एक करके छात्र को बुलाते हैं। शिक्षक छात्रों को बुलाने के साथ साथ अब जो छात्र जो अपना सामान लाया है उस सामान को उठाकर लाता है और उसके बारे में बताना शुरू करता है। जो भी चीजें छात्र को समझ आती हैं उस सामान के बारे में वो बताना शुरू कर देता है। अब अगर छात्र कहीं गलती करता है तो शिक्षक उस छात्र को ठीक ठीक चीजें बताते हैं, समझाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। इसके साथ साथ जो छात्रों के अंदर चीजों, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ लाना अपने घर से अनिवार्य है, तो उनके अंदर एक अभिव्यक्ति पहचानने की क्षमता विकसित होती है कि क्या चीज खराब है, क्या चीज अच्छी है। साथ ही साथ उनको किसी भी विषय पर बोलने की मौखिक क्षमता का ज्ञान बढ़ता है। इसके साथ साथ इसका एक फायदा यह भी है कि छात्रों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उनकी विद्यालय में बेहतर उपस्थिति होती है। ये इसके कुछ फायदे थे और इस गतिविधि को हम ऐसे क्रियान्वित अपने यहाँ भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यह नवाचार पसंद आया हो और आप भी इस नवाचार को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करें, कबाड़ से शिक्षा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे YouTube चैनल ZIIEI को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।